जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई, दूसरी तरफ चीन से लगती हुई सीमा पर अचानक बहुत ज्यादा हलचल। क्या लद्दाख और सिक्किम जैसी घटनाओं को सिर्फ छोटी मोटी झड़प मानकर दरकिनार किया जा सकता है, या फिर एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो चीन की कुछ और चालबाजियां दिख रही हैं। क्यों लद्दाख में भारतीय, क्यों सिक्किम में चीन ने दादागिरी दिखाने की कोशिश की? आखिर चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में उड़ान क्यों भर रहे थे? भारत को उकसाने की कोशिश क्यों कर रहा है चीन? आपको पता है कि वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उनकी, वो हर जगह उसका यही हाल है। 22 उसके नेबर है, उन 22 के साथ उसके टेरिटरी डिस्प्यूट है। और अभी आप चाइना सी देख लीजिए किस हिसाब से चल रहा है। तो चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो ये उसी वजह से ये सारा कुछ है। कहीं दुनिया में हो रही भारत की तारीफ से बेचैन तो नहीं हो रहा है चीन? कहीं भारत से आर्थिक चुनौती की आशंका तो चीन को परेशान नहीं कर रही? चीन की सैन्य आक्रामकता उसकी छटपटाहट तो नहीं है? इस वक्त तो शायद क्योंकि पूरे विश्व का ध्यान चीन की तरफ कोरोना के कारण है, तो एक तो ये भी रीजन हो सकता है कि चीन वहां से ध्यान हटाकर और ध्यान इस तरफ लाना चाहता हो। लेकिन अगर हम मिलिट्री की दृष्टि से देखें तो हो सकता है चीन के निशाने पर या तो अरुणाचल हो या कोई और जगह, और यहाँ पर इस तरह से अपने हेलीकॉप्टर फ्लाई करा के वो हमारा ध्यान उस तरफ भटका रहा हो। भारत की भूमि पर नजर गड़ाता चीन भूल जाता है कि ये 1962 और सैन्य से लेकर आर्थिक मोर्चे पर भारत उससे लोहा लेने की, उसे परास्त करने की क्षमता रखता है। अब वो भारत जो 1962 में हुआ था वो अब नहीं है भारत। हमारी फौज बढ़ गई है, उसके बाद साजो सामान आ गया, उसके बाद कपड़े लत्ते आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो गया है बॉर्डर एरियाज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखने वाली बात है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि 1979 चाइना ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी वियतनाम के अगेंस्ट। तब से लेके अभी तक देखे कितने साल हो गए, उनको लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। और इंडियन आर्मी जो है दुनिया की सबसे बैटल हार्डन आर्मी है। पूरी दुनिया ने कपटी चीन का असली चेहरा देख लिया, उसका छल, उसकी चालबाजियां अब विश्व के सामने हैं, और भारत का विशाल हृदय भी दुनिया देख रही है। चीन ने वायरस पैदा किया, भारत ने वायरस से लड़ने का भरोसा पैदा किया। चीन आज भी जानकारियों को छिपा रहा है, भारत दुनिया की जान बचाने के लिए जी जान से मेडिकल रिसर्च में लगा है। चीन इस मुश्किल समय में भी सैन्य दबदबा दिखा रहा है, भारत दवाइयों से लेकर चिकित्सकों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट करने का दोषी है, भारत अनुकूल अर्थनीतियां बनाकर दुनिया को मदद पहुंचाने की योजना बना रहा है। इस संकल्प के साथ कि एक मेड इन चाइना वायरस का मेड इन इंडिया इलाज होगा। चीन के विस्तारवादी नीतियों को देखकर हमेशा ही इस तरह की झड़प सामने आती रही है, लेकिन लद्दाख में और सिक्किम में जो कुछ हुआ है उस पर भारत की तरफ से स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि अब तनाव की स्थिति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आसमान में जो चीनी कार्रवाई थी उसके बाद ये देखने को मिला कि भारतीय वायुसेना को भी उस सीमा पर अलर्ट। चीन के सैन्य हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी थी भारतीय सीमा की तरफ, लेकिन भेंट जब हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान सुखोई से हुई तो वापस लौट गए ड्रैगन की गुफा में। अच्छा हुआ जो सरहदों का उल्लंघन नहीं किया। वैसे भी आजकल हिंदुस्तान दुश्मनी जरा शिद्दत से निभाता है, चीन का क्राइम पार्टनर पाकिस्तान उसे बेहतर। चीन ने 9 दिन के अंतराल पर सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर उकसावे की हरकत की, जिसकी वजह से दोनों जगह सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। हालांकि भारतीय सेना ने बहुत संयम के साथ इस टकराव को संभाला है। ऐसा कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं, और इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं, और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है।
बंद डिब्बे जैसा चीन जानकारी की अधखुली खिड़कियों से दुनिया को देखता है और अपनी राय बनाता है। यही वजह है कि उसे शायद ये मालूम ही नहीं कि भारत ने रणनीति, कूटनीति और युद्ध नीति के बाज उड़ाना शुरू कर दिया है। ड्रैगन के हर दुस्साहस का जवाब हिंदुस्तान ने तैयार रखा है। वो सब चुनौतियों का हमें पता है एंड हम सब डिस्कस करते हैं, सब प्लान करते हैं एंड इंडियन एयरफोर्स रेडी है कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए। चीन कोरोना क्राइम को लेकर दुनिया का अपराधी है, भारत दुनिया के लिए रक्षक की भूमिका में। चीन बस इसी से लगातार खींच रहा है और भारत को उलझाना चाहता है, भारत पर दबाव बनाना चाहता है। चीन ने मालदीव के पास एक कृत्रिम आइलैंड बनाया है और अब उस पर लगातार निर्माण कर रहा है। ये उसकी साजिश है भारत को घेरने की। उसने माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क स्थापित किया है जिसकी मदद से वो भारत समेत दूसरे देशों की निगरानी करना चाहता है। देखिए, चाइनीज जो हैं वो आज की नहीं है, हिस्टोरिकली है कि वो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। उनका काम है कि दूसरे देशों की जो ज़मीन है उस पर हथिया लो उसको और फिर उसको बोलो नहीं जी ये हमारी थी। सबसे बड़ा उदाहरण टिबेट है। टिबेट कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन वो पूरी फौज लेके वहाँ 1950 और 1951 में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। यही चीज़ उन्होंने रशिया के अगेंस्ट करने की कोशिश की, वहाँ मुँह की खानी पड़ी। यही चीज़ उन्होंने वियतनाम के अगेंस्ट 1979 में करने की कोशिश की, वहाँ मुँह की खाई। नया भारत चीन की धोखेबाज प्रवृत्ति को लेकर रत्ती भर धोखे में नहीं रहता, न ही चीन क्या सोचेगा वाली नीति को मानते हुए अपने कदम बढ़ने से रोकता है। चीन की तमाम रुकावटों के बावजूद भारत ने चीन सीमा तक जो सड़क पहुंचानी थी वो पहुंचा दी। चीन ने कोरोना काल में जो घटिया मेडिकल उपकरण भेजे थे वो उसने चीन को वापस लौटा दिए। जिस गिलगित बल्टिस्तान में चीन पाकिस्तान के भरोसे अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा करने में जुटा है, उसे हिंदुस्तान ने मौसम की भविष्यवाणियों से लेकर ऑफिशियल अकाउंट्स में शामिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा गिलगित बाल्टिस्तान और इस प्रकार का जो इस तरह का हिस्सा है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटला इत्यादि, कोटली इत्यादि के स्थान आते हैं, ये सारा मिला करके हमारा ये एजेंडा रहना चाहिए और है भी कि हम जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल करें जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत को सौंप गए थे। पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर POK हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। कोरोना का संकट पूरी मानवता के सामने चुनौती बना हुआ है। भारत विशाल आबादी के साथ दुनिया भर की जैसे भी जो भी मदद हो सकती है कर रहा है। ऐसे में चीन की हरकतें उसे और भी ज्यादा अपराधी बनाती हैं। जहां तक बात रही भारत की, तो भारत ने फिलहाल चीनी वायरस के घुसपैठिए और हेकड़ी वाले संक्रमण का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है। नतीजा भुगतने की बारी अब चीन की है। कोरोना के समय में जहां बाकी देशों को चीन ने जो चीजें सप्लाई की, चाहे उनकी मदद के ही लिए, लेकिन उन सारी चीजों में खामियां नजर आईं। कई देशों ने उन्हें लौटाने की भी बात की, भारत भी उनमें से एक था। लेकिन जब उन्हीं देशों ने भारत से कहा कि आप मदद कीजिए, तो भारत ने अपनी पूरी कोशिश लगाकर उन सबको भरपूर मदद पहुंचाई। पूरी दुनिया चीन और भारत में ये फर्क साफ साफ देख रही है। चीन आज भारत के बढ़ते वैश्विक सम्मान से परेशान होकर गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है, लेकिन उसे अपने गिरेबा में झांक कर ये देखने का सबसे सही समय है कि उसने दुनिया को अब तक दिया क्या है। शायद विश्वासघात के सिवा कुछ भी नहीं। जब कोरोना संक्रमण हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, तभी भारत ने दक्षिण पूर्वी देशों को कोविड सैंपल भारत में टेस्ट कराने का ऑफर दिया था। नई बीमारी होने के कारण कई देश इसके टेस्ट में सक्षम नहीं थे, जबकि भारत की वायरोलॉजी लैब्स सर्टिफाइड थी। दूसरी तरफ चीन दुनिया से कोरोना का सच छुपाता रहा। मरने वालों के आंकड़े बढ़ते गए, लेकिन चीन ने वायरस का सच सामने नहीं आने दिया। Markets must have played a role somehow, either as the source of the outbreak or an amplifying setting, meaning a setting where
the virus was introduced by maybe some of the sick individuals at the beginning, and then because they were mingling and having close contact with other people in the market. चीन ने पूरी दुनिया को खराब क्वालिटी के पीपीई किट्स और जांच किट सप्लाई किए, उसके बदले में मोटी रकम वसूली। लेकिन दुनिया देख रही है कि जब तमाम देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा मांगी, तो भारत ने अपनी जरूरत के बावजूद 55 देशों को दवा पहुंचाई। Remember, China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. चीन के खाते में सिर्फ वायरस का गुनाह नहीं है, बल्कि रोते तड़पते लोगों के घावों पर उसने जो नमक छिड़का, उसे भी दुनिया लंबे समय तक भुला नहीं पाएगी। जरा सोचिए, पाकिस्तान तो उसका पार्टनर इन क्राइम है। चीन ने पाकिस्तान को तो जैसे मास्क देकर मदद का दिखावा किया, वैसी तो कोई किसी के साथ दुश्मनी तक नहीं निभाता। चीन से दुनिया परेशान है, उसे अपने फायदे के सामने कुछ नहीं दिखता। एक तरफ वो खड़ा है अपने खूनी हाथों में लालच का तराजू लेकर, दूसरी तरफ भारत खड़ा है मदद की बाहें फैलाए। बीच में दुनिया है, दुनिया भारत के मंच की ओर बढ़ रही तो चीन सर धुन रहा है। लेकिन वक्त चीन के हाथों से सरक चुका है। आने वाले दिन चीन पर बहुत भारी हो सकते हैं, क्योंकि वो मानवता का दुश्मन है, इसमें अब किसी को कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर रहने की आवश्यकता है। कम से कम चीन जैसे पड़ोसी देश से हमारे रिश्तों को देखते हुए, उसकी चालबाजियों को देखते हुए ये बहुत जरूरी भी लगता है, और भारत ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जिस तरीके से भारत ने अपने स्तर पर देश के भीतर ही वो सारे उत्पादन शुरू किए हैं जिसकी आवश्यकता कोरोना के समय है, ऐसा समझ लीजिए कि इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को अब बाकी चीजों में भी आत्मनिर्भर रहना होगा, वरना चीन जैसा देश ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की भी बाह मरोड़ने की कोशिश करता है। कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या है? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। बात इशारों में है, संदेश साफ। आत्मनिर्भरता की औषधि वाले रसायन से न सिर्फ भारत मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है, बल्कि चीन जैसे बाजारवादी वायरस को मार भी सकता है। चाइना के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, और इसलिए पूरे दुनिया में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा ताकतवान ऐसा बूस्टर डोज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान लेकर उद्योजकों तक सबके लिए इसका फायदा होगा। स्पष्ट है कि स्वदेशी या आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन बोले या अंतर्राष्ट्रीय जो काम करने का तौर तरीका है, मिलजुल के काम करने का, इसमें जरा भी कोई अंतर विरोध नहीं है। आत्मनिर्भरता होती है कि भारत एक अपने आप में आर्थिक शक्ति बने, एक सुपर पावर बने, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले, लोगों में एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट हो, एक ऐसी भावना जगे कि भारत में निर्माण किया हुआ वस्तु भी अच्छी गुणवत्ता वाला हो सकता है, उसकी भी अपनी वैल्यू है। हर वस्तु में लाखों करोड़ों लोगों को पीछे नौकरी मिलती है, काम करने का अवसर मिलता है, हमारे उद्यमी को अवसर मिलता है, हमारे उद्योग को बल मिलता है। ये स्पिरिट आज देश में जागृत करने की आवश्यकता है। चीन को सबक सिखाना है तो सरहद पर सटीक जवाब के साथ देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता वाले रास्ते पर भी चलना होगा। चीनी उपकरणों पर भारतीयों की निर्भरता ने चीन को भारत के बाजार पर बड़ा कब्जा जमाने की जमीन दे दी। अब वक्त उस जमीन को वापस लेने का है।
साल 2000 में भारत और चीन के बीच सिर्फ $3 अरब का कारोबार था, जो 2019 तक $100 अरब तक पहुंच गया। लेकिन इस कारोबारी रिश्ते से चीन भारत के मुकाबले 5 गुना फायदा उठाता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत चीन के बीच $95.54 अरब का कारोबार हुआ, जिसमें भारत ने सिर्फ $18.84 अरब का ही निर्यात किया था। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। भारत कई दवाओं का रॉ मटेरियल चीन से लेता है, मोबाइल कंप्यूटर पार्ट्स चीन से लेता है, इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों पर चीन पर निर्भरता अधिक है। सिल्वर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर्स, वाटर हीटर्स और अब तो सजावट की लाइट से लेकर बच्चों के खिलौनों तक में चीन की घुसपैठ हो चुकी है। सवाल जब ये उठता है कि आत्मनिर्भरता को अपनाने के वादे की कसौटी पर भारत कहाँ खड़ा है, तो जवाब ये है कि जब यातायात और सरकारी कार्यालय बंद थे तब भी भारत ने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति के जरिए काम को रुकने नहीं दिया। लॉकडाउन काल में भारत ने ये भी साबित किया है कि उसे ज्यादा की जरूरत नहीं, वो थोड़े में भी गुजारा कर सकता है। यूरोप की कंपनियां हैं, चाहे अलग अलग देशों की जो भी कंपनियां हैं, कोई भी देश आगे बढ़ा है। आप जापान की हिस्ट्री देख लीजिए, आप इसराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश को देख लीजिए। जो देश अपने बूते पर आगे बढ़ा उसने पूरी दुनिया में कामयाबी के कीर्तिमान बनाए। तो भारत लोकल से ग्लोबल क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी ने खुद कहा कि जो आज ग्लोबल ब्रांड हम देख रहे हैं वो कभी कभी लोकल हुआ करते थे, तो भारत क्यों नहीं ग्लोबल हो सकता? उसके लिए हमें वोकल होना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्राइड करना पड़ेगा। जैसे आज 30 सालों से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं कोई भी विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, पेन से लेकर के। तो ऐसे संकल्पों को हमें अपनाना पड़ेगा। ये ठीक है कि लॉकडाउन इफेक्ट्स के चलते भारत इस समय लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, सामने चीन की बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौतियों के वक्त देश एकजुट कैसे होता है ये दुनिया जानती है। डोकलाम में चीन जब भिड़ा था तब देश में चीनी सामान के बहिष्कार की आंधी चली थी, चीन इस पलटवार से बौखला भी गया था, तब उसने भारत के रुख के पीछे राष्ट्रवाद को बताया। अब ये दौर वो है जब अपने हाथों भारत को अपना भविष्य गढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत चीन के लिए सबसे बड़ी चोट होगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जिस दिन चाइना से हवाई जहाज भरकर ये पीपीई किट आई। आज हमारा देश पीपीई किट में स्वयंपूर्ण है और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर सैनिटाइजर की बात आई, 1200 रुपये लीटर तक भाव गया। अब हमारी भी शुगर मिलती है, हम अल्कोहल बनाते हैं, तो मैंने सब शुगर मिल को कहा कि आप भी बनाओ। आज महाराष्ट्र में सब बनाने लगे, अब वो अल्कोहल का रेट 400 रुपये लीटर आया। मैंने तो कम से कम 1 लाख बॉटल फुकट लोगों को बांटी और आज हम लोग अब सैनिटाइजर भी बना सके। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर देश की जरूरतों तक सब बदलना होगा, उद्योग धंधों से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ बहुत मजबूत बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, चीन बौखला रहा है कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, जिस दौर में महाशक्तियां मातम में सर पटक रही हैं, भारत कैसे आत्मनिर्भरता का मंत्र रट रहा है। चीन को समझ लेना चाहिए कि ये अभी शुरुआत है, इस बार जो भारत खड़ा होगा वो चीन की किसी भी दीवार से बड़ा और ऊंचा होगा। वैसे भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले अमेरिका ने चीन के खिलाफ बोलने की शुरुआत की, फिर यूरोपियन यूनियन के देश भी सामने आए और अब ऑस्ट्रेलिया भी। सबका कहना यह है कि अगर चीन की कोई गलती नहीं है तो क्यों ना इस बात की जांच हो जाए कि ये वायरस कहां से निकला। अगर हम सबको ये पता चले कि इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई थी तो पूरी मानवता को ये पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि कोरोना का इलाज कैसे ढूंढा जाए।
सात देश जुटे इस मंथन में कि चीन के कोरोना क्राइम का क्या किया जाए। सात देश जुटे इस चिंतन में कि चीन को कैसे उसके गुनाह का एहसास। सात देश जुटे इस विचार विमर्श में कि कैसे चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाई जाए ताकि फिर कोरोना जैसी मुश्किल दुनिया को दर्द के समुन्दर में न धकेल सके। इस मीटिंग में भारत की मौजूदगी चीन को बहुत चुभेगी, लेकिन यही वो तस्वीर भी है जिसके बाद चीन को वाकई चेत जाना चाहिए कि पानी उसके सर से ऊपर जा चुका है। अभी भारत की भूमिका कोविड-19 से लड़ने वाले योद्धा तक सीमित है। अगर ये भूमिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में बदल गई, तब चीन का क्या होगा? चीन के यहाँ से वायरस 2019 नवंबर में शुरू हुआ। चीन ने इसकी जानकारी दुनिया से छुपाई रखी। वो चाहता था कि वो अपने आप को बचा सके और दुनिया के अंदर एक महामारी फैला सके, ताकि जिसके माध्यम से चीन एक बड़ी इकोनॉमिक महाशक्ति के रूप में और एक मिलिट्री पावर के रूप में उभर सके। चीन हर प्रकार इस माफी की चापलूसी करता है, लेकिन ये चापलूसी चीन के लिए बहुत भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी वास्तव में डूब जाएगी और आने वाले समय में चीन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और सोशली कट ऑफ हो जाएगा भारी दुनिया से। लेकिन चीन की चालबाजियों को आईना दिखाने का काम वो FDI के नियमों में बदलाव करके पहले ही कर चुका। भारत के बाजार में चीनी निवेश के बहाने कोरोना काल का फायदा उठाने का चीन का मंसूबा भारत पहले ही ध्वस्त कर चुका। रही बात रणभूमि की, तो हेलीकॉप्टर का जवाब लड़ाकू विमान से और मुक्के का जवाब मुक्के से दिया ही जा रहा है। बॉर्डर पे एक्टिविटीज होती हैं, उसके माध्यम से जाहिर है कि भारत को हरास करने की, भारत को दबाव में लाने की रणनीति के तहत ऐसा किया जाता है। लेकिन ये जो नया भारत है, इसने डोकलाम के समय में ये बिल्कुल दिखा दिया कि चाइना के किसी भी दुस्साहस से भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत ने 73 दिनों का आई बाल टू आई बाल कन्फ्रंटेशन वाला स्टैंड ऑफ चाइना के साथ किया और चाइना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका, ब्राजील, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत, ये नई तस्वीर है दुनिया की बदलती कूटनीति, जिसके निशाने पर महामारी की चुनौती और महामारी का गुनहगार यानी सीधे चीन है। इस कूटनीति के निशाने पर चीन का वो गैर इंसानियत वाला रवैया भी है जो वो दुनिया के सामने इन दिनों रख रहा। कोरोना से मिले दर्द में डूबी दुनिया चीन की हरकतें देख रही है। वो लगातार कभी स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, कभी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है, भारत को उकसा रहा है, जापान की सरहदों का उल्लंघन कर रहा है। चीन ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो ऐसे बनने की कोशिश कर रहा है जैसे दुनिया के दर्द से उसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन चीन को जवाब तो देना ही होगा। चीन को जवाब देना होगा एक एक मौत का। मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहता। जिनपिंग से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अभी मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। मुझे चीन ने मायूस किया है। चीन को जवाब देना होगा एक एक आंसू का। चीन को जवाब देना होगा एक एक गुनाह का। The origins of the virus was in China and China remains responsible for the outbreak. ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर चीन की भूमिका की जांच का मुद्दा उठाया तो चीन ने आदतन ऑस्ट्रेलिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से जौ आयात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। कई मीट प्रोसेसिंग प्लांट से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा चीन पर्यटन पर असर की धमकी दे रहा है। चीन का यही चरित्र है, वो पैसे के दम पर, हथियारों के दम पर दुनिया भर में हेकड़ी दिखाता घूमता है। लेकिन कोरोना की पीड़ा ने दुनिया को एक होने का मौका दिया है। जिस दिन हवा का रुख बदलेगा, चीन चारों खाने चित्त होगा। वैसे हवा का बदलता रुख महसूस हो रहा है। पांच महाशक्तियां, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा शामिल हैं, उन्होंने चीन के खिलाफ सबूतों की पुख्ता रिपोर्ट तैयार कर ली है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट को चीन के खिलाफ इंटरनेशनल डॉसियर माना जा रहा है। डॉसियर में सिलसिलेवार ढंग से चीन के एक एक गुनाह का जिक्र है। चौतरफा घिरता चीन इसीलिए बौखला रहा है। इसी बौखलाहट में वो कभी जापान से तो कभी ऑस्ट्रेलिया से तो कभी भारत से उलझता घूम रहा है। कब होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चीन का हिसाब किताब होगा ये तय। अमेरिका के सेनेटर्स ने ऊपरी सदन में चीन पर प्रतिबंधों का बिल पेश कर दिया।
इसके पास होने के बाद चीन की संपत्ति को सीज करने का, चीन के खिलाफ जांच करने का, वीजा रद्द करने का, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में चीन की कंपनियों को लिस्टिंग न करने का और कई तरह के प्रतिबंध का अधिकार ट्रंप को मिल जाएगा। चीन दूसरे देशों की एक एक इंच जमीन पर अपनी बेईमान नजर रखता है। लद्दाख में यही हो रहा है, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर चीन हर बार हर समय यही कहता है कि उससे थोड़ी सी आगे की जमीन उसकी है और इसीलिए टकराव उत्पन्न होता है। लेकिन सिर्फ भारत के साथ उसका ऐसा गतिरोध नहीं है, बल्कि अब तो वो किर्गिस्तान कजाकिस्तान तक को अपनी भूमि बताने लगा है। कभी कभी लगता है अरुणाचल की ये देशभक्ति न होती, अरुणाचल में ये वीरता न होती, यहां के लोग चीन के सामने डट करके भिड़े न होते, लंबे अरसे तक 62 में चीन अपने डेरे तंबू डाल करके बैठ गया था, लेकिन अरुणाचल के लोगों की देशभक्ति का जलवा देखिए, वरना वो चाइना की बातों में नहीं आए, चाइना से डरे नहीं, चाइना के दबाव में नहीं आए, और जय हिंद का नारा बुलंद करते गए। ऐसी मेरी अरुणाचल की धरती, यहाँ के वीरों को मैं नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणी चीन की विस्तारवादी नीतियों का आईना है। जमीन के लालच में वो तिब्बत को रौंदता है, अरुणाचल प्रदेश पर बुरी नजर रखता है, डोकलाम में भिड़ता है, लद्दाख में आंखें दिखाता है। सुपर पावर कहलाने के लालच में चीन हर पैंतरा आजमा लेना चाहता है। दुनिया की सियासी शतरंज में चीन शह दे और सारी दुनिया की मात हो जाए, यही उसकी विस्तारवादी सोच का सारांश है। चीन एक मिलिटरली एग्रेसिव और मस्कुलर और एक्सपेंशनिस्ट देश है। वो उसके हर देश की जमीन के ऊपर नजर है, चाहे वो वियतनाम हो या फिलीपींस हो, ब्रुनाई हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, जापान हो, इंडिया हो, वियतनाम हो या किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, वास्तव में ये सब देशों के ऊपर चीन की नजर है। भारत से चीन का झगड़ा इतना ही है कि भारत पाकिस्तान की तरह उसके सामने अपनी संप्रभुता गिरवी नहीं रखता, भारत सर नहीं झुकाता और न ही इंच भर भूमि पर चीन के अधिकार को पांव रखने देता है। पटोका और अब माउंट एवरेस्ट को निगलना चाहता है। हद तो यह है कि इस सब के बावजूद अब चीन ने पूरे पूरे देशों पर ही मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया। चीन से जारी कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान चीन का ही हिस्सा है। चीन की सबसे बड़ी कंटेंट वेबसाइट tuasia.com ने अपने वेब पेज पर एक आर्टिकल छापा जिसमें लिखा है, किर्गिस्तान आजाद होने के बाद चीन के पास वापस क्यों नहीं लौटा? पुराने समय में किर्गिस्तान चीन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने उसको हथिया दिया। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद किर्गिस्तान एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित हुआ था। इसी बीच चीन की एक दूसरी प्रतिष्ठित वेबसाइट ने सोवियत संघ से निकलने वाले दूसरे देश कजाकिस्तान पर दावे की बात छाप दी। इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो कजाकिस्तान भी चीन की जमीन पर ही बसा हुआ देश है। हालांकि इस आर्टिकल के छपने के फौरन बाद कजाकिस्तान में चीनी राजदूत को सफाई देने के लिए तलब कर लिया गया, लेकिन चीन पैंतरेबाजी से बाज आने से रहा। उसकी फितरत है पहले अफवाहें तैयार करना, फिर उन्हें सच करने के लिए हमले बोलना। वैसे चीन की इस दबंगई के पीछे एक बड़ी वजह है। दक्षिण एशियाई देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में चीन ने बड़े निवेश कर रखे हैं। चीनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने किर्गिस्तान को $1.7 बिलियन का लोन दिया है, जो किर्गिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था का करीब 43% है। ठीक उसी तरह कजाकिस्तान के ऊर्जा सेक्टर में भी चीन की बड़ी भूमिका है। इसी कर्जे के एवज में चीन अब इन देशों को लील जाना चाहता है, यही तो वो करता आया है। भारत चीन को इसलिए भी खटकता है क्योंकि वो चीन के विस्तारवादी रास्ते का सबसे बड़ा। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने
जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन दोनों समाहित। अक्साई चिन पाकिस्तान के विवाद के चलते चीन के पास है, लेकिन भारत अब उसका नाम पीओके के साथ लेता है तो चीन आग बबूला हो जाता है। भारत हर चुनौती के लिए तैयार है और अब भारत ने उस रास्ते पर चलने का मन भी बना लिया है जहां से चीन का सर उठा पाना नामुमकिन होगा। सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का उपयोग कर सकता है, क्या हम इसमें अवसर तलाश सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर की जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं जो आर्थिक तौर पर आप कितनी तरक्की करेंगे उसके आंकड़े देते हैं, उसमें चीन के साथ साथ भारत के लिए भी आंकड़े बाकी दुनिया से कहीं बेहतर नजर आते हैं। लेकिन अगर मेड इन इंडिया को समूचे विश्व में छाना होगा तो उसके लिए एक बहुत संघर्ष वाला रास्ता हमारे सामने है। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। महामारी से संघर्ष ने लड़ने की जिद पैदा की, लड़ने की जिद ने रास्ता दिखाया, देश उस रास्ते पर चला और आत्मनिर्भरता की पक्की तस्वीर दिखने लगी। टेस्टिंग के लिए भारत ने ऐसी डायग्नोस्टिक किट का आविष्कार किया है जिसकी कीमत किसी भी किट से 10 गुना कम है और टेस्टिंग क्षमता दूसरी किट से कई गुना ज्यादा। ये किट्स गुणवत्ता में भी बहुत बेहतर हैं। आने वाले दिनों में दुनिया इनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में कर सकेगी। वेंटिलेटर्स की जरूरत जब हुई तो मेक इन इंडिया के तहत भारत ने खुद के पोर्टेबल वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए, जो विदेशी वेंटिलेटर्स की 6 से 7 लाख तक की कीमत की तुलना में मात्र 10 से 12 हजार में बन जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्हें घर में भी रखा जा सकता है। अब से 56 दिन पहले तक यही वो भारत है जो एक एक मेडिकल उपकरण के लिए दुनिया की ओर निहारा करता था। 20 लाख करोड़ का अभूतपूर्व सरकारी पैकेज देश के जगह जगह से चटक चुके इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क को दुरुस्त करने के काम आएगा। इसके अलावा चीन की चालाकियों से आजिज दुनिया के लिए भारत जैसा मददगार देश कारोबार के रास्ते खोल रहा है। देश भर में 4,61,589 हेक्टेयर जमीन चिन्हित है विदेशी कंपनियों को भारत में आकर कारोबार स्थापित करने के लिए। सरकार विदेशी कंपनियों के लिए नीतियों में परिवर्तन करने को तैयार है। आने वाले समय की तस्वीर भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही देश को स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया था। इसका उद्देश्य ही कौशल विकास, बौद्धिक संपदा को सुरक्षा, नए प्रयोग और आसान निवेश के जरिए देश में रोजगार बढ़ाना और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना था। स्टार्टअप और मुद्रा लोन जैसी योजनाएं चलाकर सरकार ने आत्मनिर्भरता बनाने के लिए लोगों का आह्वान पहले भी किया। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। कभी आजादी के संग्राम में स्वदेशी का नारा लगाया गया था, 21वीं सदी में दोबारा स्वदेशी आंदोलन का आह्वान है। यह आह्वान विदेशों पर निर्भरता से आजादी के साथ आत्मनिर्भरता की मजबूती की तरफ बढ़ने के लिए है। देश एक साथ खड़ा हुआ तो चीन जैसी आर्थिक शक्तियां कहीं नहीं टिक सकेंगी। चीन की चुनौती का समाधान तू का जवाब तड़ाक तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की मजबूती चीन के हौसले पस्त कर देगी। तय देश को करना है, देश के लोगों की इच्छा शक्ति को करना है। रास्ता सामने है, बस आगे बढ़ना। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।